बकरे के दिल पर आपने एक वजीफ़ा पढ़ लेना है। फौरन आपके सामने उमारा परी हाजिर होगी और आपकी नसीब और तकदीर बदल देगी, आपके तमाम ख्वाहिशात पूरे करेगी, आपकी हर मुराद पूरी करेगी, आपकी हर जायज़ व नाजायज़ काम करेगी जो आप चाहेंगे। इस अमल को कैसे करना है, कब करना है, तो चलिए आप भाइयों को बताते हैं। इस अमल को मेरा कोई भी बहन भाई कर सकता है, लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है, हिंदू भी कर सकते हैं और मुस्लिम भी इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है, इस अमल में इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, इस अमल में ज़कात की ज़रूरत नहीं है, इस अमल में हिसार लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान अमल है। इस अमल को मेरा कोई भी बहन भाई बहुत ही आसानी के साथ कर सकता है और उमारा परी को हाजिर करके अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, अपने तमाम मुश्किलात परेशानियां हल करा सकता है, अपने तमाम जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करा सकता है। तो चलिए अब आपको अमल बताते हैं। अमल में करना यह है कि आपने एक अदद बकरे का दिल लेकर आना है। याद रहे ये अमल रात के वक्त का अमल है। इस अमल को करने के लिए कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है। आज किसी भी दिन के रात के वक्त इस अमल को कर सकते हैं। रात को कर लें, दिन को कर लें, किसी भी दिन के रात के किसी भी वक्त आप अमल कर सकते हैं। इस अमल को आप किसी भी जगह पर जाकर कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर के कमरे में कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने घर की छत पर कर सकते हैं, लेकिन याद रहे आपने अकेले में तन्हाई में इस अमल को करना है। इस अमल का जो टाइम है वो रात के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का है। अमल में करना यह है कि आपने एक अदद दिल लेकर अपने सामने रख लेना है और आपने इसकी चारों तरफ जो है ना मोमबत्तियाँ जला देनी हैं और कमरे में अंधेरा होना चाहिए। आपने इस अमल को अंधेरे में करना है। अमल में करना ये है कि आपने ये जो सामने स्क्रीन पर आप एक मंत्र देख रहे हैं, आपने ये मंत्र पढ़ के 2001 मरतबा ये मंत्र पढ़ना है। याद रहे जब इस मंत्र को पढ़ेंगे तो आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आंखें खोलकर इस अमल को करेंगे आपको डराने की कोशिश की जाएगी, आपको भयानक चेहरे नज़र आने लगेंगे, आपको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई जाने लगेंगी ताकि आप अपने अमल से उठें। याद रहे आपने डरना नहीं है, आपने अमल से नहीं उठना, आपने अपनी तादाद कंप्लीट कर लेनी है। जैसे ही आप अपनी तादाद कंप्लीट कर लेंगे आपके सामने उमारा परी हाजिर होगी और वो दिल को उठा लेगी, क्योंकि वो दिल की बहुत शौकीन होगी और आपसे पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया। आपने सबसे पहले उससे दोस्ती करनी है, उसके बाद आपने उससे पूछना है कि वो दोबारा आपके सामने कैसे हाजिर होगी, उसके बाद आपने जितने भी अपनी ख्वाहिशात का इजहार करेंगे वो आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करेगी, आपकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करेगी, आपकी हर वो बात मानेगी जैसे आप चाहेंगे। वो पूरी ज़िंदगी आपकी ही ग़ुलाम बनकर रहेगी। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप भाइयों को फ़ायदा हो। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगा खूबसूरत से वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।